जैसे आपके ऑपरेटर्स कितने हो सकते हैं आपके, कई तरह के ऑपरेटर्स हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, तीन तरह के ऑपरेटर हमें पढ़ने हैं, कितने हो सकते हैं सर। वैल्यूएबल एक बार फिर से समझा दीजिए। वेरिएबल मतलब बेटा जब हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं उसे तो हमें मानते नहीं कि x² + 2x + 3 ऐसे कुछ क्वेश्चन रहता है, जब उसको सॉल्व करते हैं तो ऐसी कुछ वैल्यू आती है, ये करते नहीं मैथ में सर। यस सर। हाँ तो आप x के वैल्यू हमेशा अलग अलग आती है, उसे डिनोट किससे करते हो, अलग अलग वैल्यू को हम सिंगल वेरिएबल x से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो भी हमारी वैल्यू x होगी उससे क्या हो गया, एक्स के लिए वेरिएबल अलग अलग है, एक्स को अलग है, वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल मीन आ वैल्यू दैट कैन बी चेंज, वेरिएबल मतलब क्या, जिसके लिए बार बार चेंज होती रहती है, वहां पे क्या होगा बार बार वैल्यू चेंज होती रहेगी एक्स की। और इट तो जो है बेटा वेरिएबल। यस सर। नाउ यस सर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल एंड मॉडुलस। आई थिंक ये तो सबको पता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का मतलब ये होता है जब आप इससे डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो भी वैल्यू आपकी आएगी, जो भी वैल्यू आपकी आएगी हमेशा इंटीजर में आएगी। जैसे 9/4 कितना होता है 4.5, तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर। इफ आई राइट दैट 4 to the power 3, इट मीन दैट 4 to the power 3 इज इक्वल टू 4 to the power 3। यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, 4 into 4 = 16, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 16 × 4 = 64, ओके क्या जाएगा 64 याद है। आफ्टर दैट मॉड, मॉडुलो का मतलब होता है जो आपका शेषफल बच जाता है, जो रिमाइंडर बच जाता है। इफ आई डिवाइड 3/7 तो 3 × 2 = 6, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 1, यहाँ पे क्या जाएगा रिमाइंडर आता है, क्या जाएगा बेटा 6। ना तो किसी को कोई डाउट सर, एक्सपोनेंशियल समझ नहीं आया बेटा, पावर पढ़ो, पावर पावर पढ़ाई नहीं बोलने का। यस सर। हाँ उसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल, बता रहा हूँ उसके। ऐसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा 4 to the power 3, इट मीन्स दैट 4 to the power 3, इट मीन्स दैट 4 × 4 × 4 which is equal to 64। नहीं आया बात, 3 to the power 2 means what? 3 × 3 = 9. Got it? Yes, sir. Yes. ये सारे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इसका एग्जांपल उधर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके बेटा, गॉट इट। नाउ लॉजिकल, अरे यार तुम लोगों ने मैथ नहीं पढ़ी क्या बेटा, मैथ में ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं पढ़ा है, बता रहे हैं। No. Suppose that we have a variable x. Sir, तो listen to me. Sir, नहीं है sir. Greater than equal नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? बता रहे हैं। देखो बता रहे हैं। Listen. बता रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताओ,
आप लोग मुझे ये बताओ कि किस एज के बाद आप वोट डाल सकते हो, आफ्टर विच एज यू कैन वोट, वोट समझते हो ना? 18 सो एवरीबॉडी विच इज 18 ठीक चुप रहो 18 साल की अगर बराबर हो जाओ या क्या हो जाओ 18 साल से बड़े हो जाओ इफ यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन यू कैन वोट समझ में आया इफ यू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन यू कैन वोट देन यू कैन वोट समझ में आई बात नहीं किसने पूछा था क्वेश्चन बेटा कोई बात नहीं बेटा अच्छा जी आप पूछ लिया तो क्या होता है यहाँ पे आप क्या जान रहे हैं कैसे मैं आपको बार एक बार ये समझ में आएगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है क्या ये होता है ठीक है नेक्स्ट अब जो हमें पढ़ना है जो हमें जानना है वो है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपके चीजों में लॉजिक लगाते हैं लॉजिक क्या होता है जस्ट अकेले ना बेटा ठीक है लॉजिक क्या होता है लॉजिक ये होता है अगर मानो तुम अपने घर गए ठीक है आप अपने घर जा रहे हो स्कूल से निकले घर जा रहे हो आपके घर की सड़क ठीक एक घर यहाँ है फिर दूसरा घर है फिर तीसरा घर है एक इधर घर है एक इधर घर है ठीक सब घर है ऐसा रहता है तो आप क्या करते हो घर को देख के पहले रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो ना कि मेरा घर है किसी और का घर है तो घुस जाते हो किसी भी घर में रिकॉग्नाइज करते यू शुड मेक योर सेल्फ वेरी क्लियर दैट इज माय होम और नॉट ठीक है आप स्कूल आते हो स्कूल में क्या होती है जैसे क्लास में होती है क्लास टू है क्लास थ्री क्लास फोर है क्लास फाइव है क्लास सिक्स है अब क्या करोगे आप सीधे चलते चले जाओगे चले जाओगे चले जाओगे कहाँ से चले जाओगे क्लास सिक्स तो क्या करते हैं यहाँ पे ना इसे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का देखो तो मैं कहाँ जाना था क्लास सिक्स में और सिक्स इक्वल टू सिक्स हो गया कि नहीं यहाँ पे सिक्स इक्वल टू सिक्स हो गया तो आप अंदर चले जाए ठीक अब मान लो आप वोटिंग करने जा रहे हो वहां पे क्या होगा जहां पे 18 प्लस होगी होगा उसको अलाउ कर दिया जाएगा तो इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं टू कैलकुलेट द रिजल्ट एंड इट कैन बी अ सिंगल वैल्यू भी हो सकती है इधर ट्रू और फॉल्स और लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं एंड और नॉट तीन होते हैं एंड और नॉट ठीक है एंड के बारे में बता दें और के बारे में नॉट के बारे में आज बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग एंड और नाउ एंड का मतलब ये होता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम लोगों को क्या करना है तुम लोगों को मोबाइल में तीन से पढ़ाई करनी है यू वांट टू रीड तीन से क्या करनी है तीन से पढ़ाई करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए उसके लिए हमारे पास दो बेसिक चीज है हमारे क्या डिवाइस होनी चाहिए डिवाइस मीन व्हाट लैपटॉप या फिर क्या मोबाइल अब क्या होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं बेटा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट एवरीबॉडी अपने आप को अनम्यूट कर लो सब लोग अपना माइक ओपन कर लो ताकि हम कुछ पूछे तुरंत रिस्पॉन्स दे सको ठीक है अभी म्यूट करने जो होते हैं जब म्यूट करने जो होगी मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा सबको अब देखना अब बताओ तुम्हें टीम में पढ़ाई करने के पास इंटरनेट और एक डिवाइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो आप कहोगे कोई एक भी होगा तो भी मैं देख सकता हूँ है कि नहीं चाहे आपके पास लैपटॉप हो जाए चाहे आपके पास क्या हो जाए मोबाइल हो जाए दोनों में से अगर कोई एक डिवाइस आपके पास होगी तो आप देख सकते हो ना क्या हो गया यहाँ पर हो गया और का हो गया एंड नॉट नॉट का ये होता है इसको अभी समझो जैसे कि हमने कहा क्या आज स्कूल में छुट्टी है क्या आज स्कूल में छुट्टी है क्या कहोगे या तो हाँ कहोगे या तो ना कहोगे ठीक अब मैं हमारा अगर कहा कि मानो आज मंडे है आज छुट्टी है तो बोले मैंने कहा क्या आज स्कूल में छुट्टी है तुमने कहा हाँ मैं अगर ये कहूंगा कि क्या आज स्कूल में हॉलीडे नहीं है क्या कहोगे नहीं है नॉट क्या करते हैं नॉट किसी भी चीज को कन्वर्ट करता है नहीं जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि तुमने मान लो तुमसे मैंने कहा तुमने
तो मैं वहां मुझे बताना है कि मैंने अवेंजर्स मूवी देखी है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैंने अवेंजर्स मूवी देखी है? हाँ मैंने अवेंजर्स मूवी देखी है। अगर हम नॉट कन्वर्ट करें तो नॉट का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? मैंने अवेंजर्स मूवी नहीं देखी। इसका नॉट क्या हो जाएगा? मैंने अवेंजर्स मूवी नहीं देखी है। नॉट मीन्स द सेकंड, ठीक है, जो उसका अपोजिट अलग ही हो। चलो एक बार आ जाते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे सब क्रिकेट के बारे में जानते हो। यस सर। कौन जो नहीं जानता? आप नहीं जानते क्रिकेट के बारे में। हम ये मान के चलते हैं कि क्रिकेट आपके स्कूल में खेला जाता है, तो आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, ठीक है? और क्रिकेट में टीम्स होती है, मल्टीपल टीम्स होती है, जिसमें कुछ पोजीशन है कीपर को चूज किया जाता है। ओके नाउ सी, हमारे पास एक क्रिकेट टीम बनानी थी, क्रिकेट टीम बनानी थी। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 10 बॉलर आए और टेनी क्या है, बैट्समैन आए। तो क्या सबको ले लोगे क्या? नहीं, क्योंकि क्रिकेट की तो 11 पर्सन ही होते हैं। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप उसमें से 5 बैट्समैन क्या चूज करोगे? 5 बैट्समैन एंड 5 बॉलर एंड व्हाट? 1 विकेट कीपर। ठीक, इतनी चीजें हम चूज करेंगे। आप ये बोला ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये होना ही चाहिए। अगर आपके पास पास आपके पास 5 बॉलर नहीं है, 5 ऐसे प्लेयर नहीं जो कि बॉलिंग कर पाए, तो आप 50 ओवर बॉलिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि कोई बॉलर क्या है 10 ओवर बॉलिंग कर सकते। अगर हमने क्या किया, एक मैनेज टीम नहीं ली, क्या करेंगे? जीत नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? ये है कंपलसरी कि आपको यही चूज करना है, कंपलसरी, ठीक है? अगर देखो इधर आपके पास 10 पीपल्स खड़े थे, 10 पीपल्स आपके सामने खड़े थे, आपने 10 पीपल्स के लिए कुछ लोगों को चूज किया, तो क्या यहाँ पे आपको क्या नहीं खाओगे बेटा? आपने इधर 10 पीपल्स में से किसी को चूज किया, तो क्या यहाँ पे आपके पास बाउंडेशन थी कि आप इसको चूज ना करो, किसको ना चूज करो, किसको ना चूज करो? यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं थी। बाउंडेशन कहाँ थी? बाउंडेशन एंड के साथ थी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या कहते हैं? एंड और, गॉट इट? सुन नहीं पा बेटा? तो होता क्या बेटा, हमारे पास कई सारी कमांड होती है, हम क्या करते हैं? कमांड के थ्रू ही कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि कमांड होती है, क्या कहते हैं? क्या ओके ओके क्या कर रहा बेटा, बोलो क्या कहते हैं इसको? डिफरेंट डिफरेंट कमांड होती है, सिंगल कमांड को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। क्या कहते हैं बेटा? स्टेटमेंट, ठीक है? तो हमारे पास क्या एक सेट ऑफ कमांड होता है, पहली कमांड क्या है मेरे पास? आर ई एम। पहली कमांड कौन सी बेटा हमारी? आर ई एम कमांड। आर ई एम कमांड बोले तो रिमार्क्स, इसके लिए बेटा रिमार्क्स, ठीक है? ये क्या होती है? ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, जो कि क्या करता है? कंप्यूटर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे, उसके अंदर क्या लिखोगे? आर ई एम। क्या लिखोगे? आर ई एम। उसके बाद यहाँ पे व्हाट एवर आप लिखोगे, मतलब कुछ भी लिख दो, उसको क्या करेगा? उसको ये रीड ही नहीं करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ताकि आपको पता रहे कि जो आप प्रोग्राम देख रहे हो किसने बनाया था, कब बनाया था, किस पर्पज के लिए बनाया था, क्यों बनाया गया था, इसके बारे में सर्टन इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या लिखा? आर
आपने ऐसा लिखा माय प्रोग्राम फर्स्ट, तो क्या है ये भी तरीका कमेंट है, इसको क्या करेगा वो कंपाइलर रीड नहीं करेगा, कंप्यूटर सुनेगा नहीं कि क्या लिखा है, किसने किसके लिए लिखा है, ये अपने आप के लिए लिखा है। नेक्स्ट इज CLS कमांड। CLS कमांड इज यूज्ड ऑन अ क्रिएट एन आउटपुट स्क्रीन। क्या होता है जब भी आपके आउटपुट में पहले आउटपुट रहेगा, प्रोग्राम क्रिएट होने के पहले आउटपुट रहेगा, इसको क्या करेगा उसको ये क्लियर कर देगा। Whenever you run a program without clearing the screen, the output of the previous program also remains on the computer screen. So always use CLS command at the beginning of the program so that clear the previous one. Suppose that आपने दो चार बार स्क्रीन रन कराया तो क्या होगा, सिलेक्ट करा दोगे जो पहले प्रोग्राम रन हुआ है, जो प्रोग्राम आपका पहले रन हुआ था वो प्रोग्राम क्या होगा, वो प्रोग्राम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, नाउ इनपुट कमांड। This command is used to enter data assigned to the variable given within the program while it is running. तो क्या होता है? इसका काम होता है कि आप कोई भी डाटा अपने कीबोर्ड से इनपुट करा सकते हो जब आप क्या हो प्रोग्राम आपका रन। इनपुट कमांड वेट्स फॉर यूजर टाइप ऑफ टाइप अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इनटू द टेक्स्ट आउटपुट विंडो व्हेन द यूजर हिट्स द एंटर की। वेरिएबल में क्या होता है, डाटा रीड किया जाता है किसके थ्रू, इनपुट कमांड के थ्रू। नेक्स्ट इन कमांड है, इन कमांड क्या करती है, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है, यानी आपका जो प्रोग्राम रन हुआ है क्या करेगी, उसको इन कर देगी और क्या कहेगी आपको प्रोग्राम को वैसे जो प्रिंट करेगी या जो भी होगा उसको खत्म कर देगी। तो प्रेस यानी की को कंटिन्यू, उसमें क्या होगा इन कमांड नहीं यूज कर देगा। लेट कमांड, LET कमांड इज यूज फॉर टू असाइन वैल्यू ऑफ ऑल डेटा वेरिएबल, डेटा वेरिएबल शुड कैन नॉट बी चेंज एट द टाइम ऑफ कंसम्पशन। सो सपोज हमने क्या किया, लेट a इक्वल टू 10 लिख दिया, गोटो कमांड में क्या होता है बेटा, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले आप अपना होमवर्क कर लो, होमवर्क लिख दो, देखो ये लेबल
पे जाओ, लेबल पे जाओ, तो जो ये लाइन है प्रिंट वाली, जो मेरी प्रिंट वाली लाइन है, जो मेरी लाइन है प्रिंट वाली, क्या होगी, ये पब्लिश नहीं होगी, वो क्या होगी, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, सब नहीं किया जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा, ओके। नाउ प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड में यूज क्या है, चीजें प्रिंट करने के लिए, जो भी आपको प्रिंट करना है उसको लिख दीजिए, और जो भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे सबने यहाँ क्या लिख दिया, प्रिंट करके कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर को नहीं देखा, तरीका होता है अगर कंडीशन ट्रू है क्या, इफ कंडीशन इज ट्रू देन व्हाट, ये कंडीशन चेकिंग के लिए होता है कि आपके मार्क्स 75 से ज्यादा है तो आपको क्या मिलनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम मिलनी चाहिए, तो वो दैट इफ वी हैव एनी कंडीशन देन वी यूज इफ एंड इफ देन कंडीशन, सो व्हाट इफ, एग्जांपल क्या है, इफ इफ आई एम इज ग्रेटर देन 75 देन एडमिट कार्ड इन साइंस, ओके, अगर 75 के बिलो है तो, अगर 75 के बिलो है तो क्या होगा, देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, आपको सारी कमांड्स अपने कॉपी पे लिखनी है 2 पेजेस में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।